किसने ही सोचा होगा कि ये गिरता पड़ता देखते हैं, ऐसी स्कीइंग कर पाएगा। और कुछ ऐसी ही है हम सबकी स्कीइंग सीखने की जर्नी। तो भाई मेरी गुड मॉर्निंग हुई हैवी स्नोफॉल से, एंड जो बस हमें लेह से कारगिल ले जाने वाली थी वो कैंसिल। सारी सड़कें, पूरा मार्केट, सब कुछ बर्फ से ढक गया। जो ले कल तक कुछ ऐसा दिख रहा था, आज वो ऐसा दिख रहा है। और जैसा कि हमारे मित्र सार्थक जी ने बताया था, वीर भोगे वसुंधरा, तो हम भी वसुंधरा की तलाश में निकल ही लिए। वंशी, सार्थक, आदित्य और प्रिया, हम ले में ही मिले एंड हम साथ में ही स्कीइंग कोर्स के लिए जा रहे थे। बाय द वे, ये कोर्स IISM गुलमर्ग ने करवाया है एंड इसकी डिटेल आपको आगे इस वीडियो में मिल ही जाएगी। ऑल्सो मेरी जो फ़्लाइट थी दिल्ली से ले की, वो मुझे 3000 की पड़ी एंड जो रिटर्न फ्लाइट मैंने बुक कराई वो 2300 की थी। ले में मैं रुका था हॉस्टल में जिसका टैरिफ 700 था, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो आप इससे बेटर डील ले सकते हो ले हॉस्टल में, उसका टैरिफ अराउंड कुछ 450 था। और आखिरकार हम पहुंचे कारगिल। हमारी मॉर्निंग ब्रीफिंग में मेरे सबसे पहले कारगिल के दोस्त बने सलीम और अहमद, और इन दो नमूनों से उर्दू क्लासेस लेने के बाद हमें जाना था लद्दाख टूरिज्म के ऑफिस में, जिसके रास्ते में हमें ईरानी रिवॉल्यूशन के सेलिब्रेशन दिखा। एंड वहाँ पहुँच के हमें हमारे साइजेस के इक्विपमेंट मिले एंड हमें हमारे इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ किया गया। थोड़ा शाम को बाहर घूमने के बाद हम सब वापस अपने अपने कमरों में आ गए। सार्थक, अंशुल, सुमेश और मनमोल मेरे रूममेट्स थे। एंड इस ट्रिप में सच में अगर शायद ये ना होते तो ट्रिप मेरा आधा मज़ेदार होता। और हाँ, IISM की खुद की कोई फैसिलिटी ना होने के कारण हमें PC पैलेस नाम के होटल में रुकवाया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा था नो डाउट, बस खाने के थोड़े इश्यूज थे। और शेड्यूल की तरह हम रोज़ रात को माउंटेनियरिंग या स्कीइंग से रिलेटेड कोई ना कोई मूवी देखते थे। मेरे सारे ही रूममेट्स माउंटेन के बारे में काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज रखते थे। सार्थक ने तो एडवांस एंड बेसिक दोनों ही माउंटेनियरिंग कोर्स कर रखे थे। सुमेश भाई की तो ट्रैक्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि क्या ही बताऊं। और मनमोहन और अंशुल की तो खुद की ही टूरिंग कंपनी है, इको हाइकिंग एंड ट्रिपोफीलिया। अगर आप में से किसी को भी उत्तराखंड में कहीं घूमने का प्लान करना हो तो आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाचते गाते ढेर सारी बकचोदी करते जैसे तैसे हम पहुंचते अपने स्कीम शुरू पे। जहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हमें सिखाया जाता था बेसिक टेक्निक जैसे स्नो प्लो, स्नो प्लो टर्न, स्नो प्लो ब्रेकिंग। और हाँ, हमें पनिश भी करा जाता था अगर हम अपनी लाइन क्रॉस करते थे तो। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। कौन नहीं सुनिया? शाम को थके हालत में आने के बाद हमारे इवनिंग सेशंस होते थे जिसमें हमें हमारे इंस्ट्रक्टर स्कीइंग, माउंटेनियरिंग एंड सेफ्टी के बारे में बताते थे। किसी भी ढाबे में घुस के खुद ही खाना बनाने लगते हैं, टिपिकल द बॉयज। एंड फॉर दोस्त हु वांट टू नो अबाउट द स्कीइंग कोर्स, मैं करने आया था बेसिक स्कीइंग कोर्स, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोर्स एंड उसके बाद आता है एडवांस कोर्स। हर कोर्स का ड्यूरेशन 14 दिन का होता है। यहाँ पहले दिन आपको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है एंड हमारे ग्रुप के इंस्ट्रक्टर थे सैयद सर, एंड वो बहुत ही कामली पेशेंटली हमें सिखाते थे। 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट लग जाता था और 9 बजे हम स्लोप के लिए निकल लेते थे। स्लोप थोड़ा दूर था तो हम बस से स्लोप तक जाते थे। स्लोप में ब्रेक के दौरान हम चाय एंड बिस्किट मिलता था। स्लोप से वापस हम कभी 3 कभी 3:30 निकलते थे। बेसिक कोर्स में हमें स्नो प्लो, स्नो प्लो ब्रेकिंग, स्नो प्लो टर्न, ट्रेविस अपहिल स्विंग, बेसिंग स्विंग टर्न, एयरिंग बोन, साइड स्टेपिंग जैसी टेक्निक सिखाई जाती है। एंड लास्ट के दिन आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको ये सब करके दिखाना होता है। साथ में एक सलालम कॉम्पिटिशन भी होता है। हमें सारे ही इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे थे, बिना पेशेंट लूज़ करे
सबको एक एक स्टेप अच्छे से सिखाते थे, सबको साथ में लेके चलते थे। सच में अ हार्टली थैंक्स टू खलील सर, मंसूर सर, सैयद सर, यूसुफ सर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अली असगर सर, जो हमारे स्कीम कोर्स के कोऑर्डिनेटर थे एंड जो हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे। और अब आता है डी डे। अंदर से घबराए हुए हम रोज़ की तरह अपनी स्कीज लाइन में लग के पिकअप में लोड करते हैं। ये कोर्स की बुकिंग 20 जनवरी को IISN की वेबसाइट पे ओपन हुई थी एंड ये कोर्स मुझे पड़ा 5,000 का। यूजुअली सेम स्कीम कोर्स IISN में 15,000 का होता है, बट ये IISM गुलमर्ग का कारगिल के अंदर पहला बैच था, इसलिए शायद ये इतना सस्ता था। ग्लोब पे पहुंच के सिकंदर भाई को इंटरव्यू भी दे देते हैं। हेलो, आप कहाँ से हो सर? हरियाणा। लद्दाख और राजस्थान। या लद्दाख में मजा आया आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत क्या क्या टैलेंट मिला आपको अभी तक? यह सबसे बड़ा स्कीइंग सीखने को मिला। या उसके बाद यहाँ के लोगों से मिलने को मिला। मिला यहाँ के लोग कैसा है, किस चीज? बहुत अच्छे, इसकी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इधर आ, यहाँ बता के। ये बच्चों मतलब ये है, इसका है तकरीबन क्या वो मारे तो 8 ईयर, 9, इसका 9 साल, 9 ईयर है। फिर 12 ईयर है अभी, ये लोग 12 ईयर का बच्चा भी सीखने के लिए आ रहा है। आपको मजा आया तो आया ना? बहुत मजा आया। अच्छा, हेलो गाइस, आपका कुछ इंजरी के चलते मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस मिस की थी, लेकिन पता नहीं कैसे एग्ज़ाम के दिन जो भी मुझसे करवाया गया मैं सब ठीक तरह से कर पाया। एग्ज़ाम के बाद हम लोगों को मज़े करने के लिए स्लोप पर छोड़ दिया और तब हुआ हमारा असली फन शुरू। ऑल द बेस्ट विदाउट स्की पोल। और जाएंगे हम स्नो पाउडर के थ्रू। पैर रखे होते अब तक धस चुके होते। चलो डिसेंट शुरू करते हैं। भाई सुमेश, सर तो अभी मैं गिरा हूँ बहुत एपिक तरीके से, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं चश्मा मुड़ चुका है और मेरा स्क्रीन गार्ड भी टूट गया है, स्क्रीन का पता नहीं। लेकिन जो मैं गिरा हूँ बहुत एपिक था, बहुत मज़ेदार था। और अगर आप देखना चाहो तो मैं आया हूँ बिल्कुल वहाँ टॉप से, वहाँ से, और मैं गिरा हूँ। ये जो निशान दिख रहा है बड़ा सा ये, और अभी मैं दोबारा जाऊँगा बिल्कुल एंड में वहाँ पे। बिना स्की पोल के कर रहे हैं बच्चों जी।
लोग के मजे मारने के बाद टाइम था हमारे आखिरी दिन के आखिरी सेशन का। बट यहाँ आके लिटरली बहुत मजा आया। 14 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला और अभी लिटरली बुरा लग रहा है जाते जाते। घर में काम है बट स्टिल मतलब मन कर रहा है कि थोड़े दिन और एक्सटेंड करके ना थोड़ा आप लोगों के साथ यहाँ रह के एंजॉय किया जाए। और बाकी के भाइयों के जैसे आशिक भाई थी इनकी कैप भाई यार बड़ी सही लगती है, जो फ्रॉड करते हो बहुत सही लगती थी। मनमोहन भाई का कल मैंने गिरते टाइम बिहाइंड द सीन्स देखा भाई अब गिरे। आदित्य भाई तो मतलब अच्छा होता है बट एक था कि भाई आज मेरे जूते छोटे हैं जो भाई आज भी इसने दूसरे का स्की उठा ही लिया ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया लेकिन जो मैंने देखा आप लोगों का परफॉर्मेंस सबका बहुत बढ़िया था सबका। सुमेश भाई की और आदित्य की और सर की स्पीच के बाद थोड़ा बुरा तो लग रहा था लेकिन हमने डिसाइड किया कि इस जर्नी को जश्न के साथ ख़त्म करें। खेलते कूदते नाचते गाते घंटे दिन खत्म हो गए पता ही नहीं चला। नीति सोनम आशिक भाई हुसैन भाई सहब भाई और बाकी सब भाइयों की बहुत याद है।